गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली बार हमने रोमन संख्या 1 से 50 तक सीखी थी और अब हम रोमन अंक 51 से 100 तक सीखेंगे। तो बच्चों, आपने रोमन संख्या सीखी तो उसमें ज्यादा कि कोई भी अंक 3 बार से ज्यादा नहीं होता है। वी एल ये 3 बार से ज्यादा, ये 1 बार से ज्यादा रिपीट यानी दोहराए नहीं जाते। वी और ए एल जो संकेत चिन्ह है वो 3 बार से ज्यादा दोहराए नहीं जाते। ए और क्रॉस यानी टैग ये हम इनको 3 बार से ज्यादा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, आप ये देखो, हम अब 51 से 100 तक सीखेंगे। जब आप गिनती लिखोगे तब आपके समझ में आएगा। तो ये हमें यहाँ यानी 51 बच्चों हमने L बराबर सीख लिया था, यानी L बराबर क्या हो गया 50। तो L और 1 करेंगे हम तो ये 51 हो जाएगा। L बराबर बच्चों हमारा 50 था तो हम L 1 करेंगे तो ये हमारा हो गया 51। आइए 52 ये 53 ये 54 ये 55 ये 56 ये 57 सात तक हमने गिनती लिखी है। अब हम इस प्रकार से एल दो दो बंदे लगाइए। एल बराबर होता है बच्चों 50। यहाँ मैं हम देखू एल बराबर 50। तो ये 50 और एल 1 51, एल 2 52। अब एल 3 53, एल 4 54, एल 5 55, एल 6 56, एल 6 57, एल 8 58, एल ये बच्चों 70। अब एल एक्स लेंगे 60 कितने आपको एल एक्स बराबर 60। तो यहाँ हम लिखेंगे 61 कितना है तो एल एक्स ये 60 हो गई थी 61 एल एक्स और ये 62 एल एक्स और ये 63
औसत कर देंगे 50, एल बराबर 50 हो गया और डबल ये हो गया हमारा 70, ये क्या हो गया हमारा 70। अब हम इकट्ठा लिखेंगे यहाँ पे, बच्चों तो ये सबका कितने है एल और डबल एक्स, तो ये एल डबल एक्स सत्तर ठीक है बच्चों, एल डबल एक्स बहत्तर, एल एक्स और ये तीन बहत्तर, एल एक्स ये हो गया हमारा 80 में, यानी कि 50 और 3 बार हम क्रॉस क्रॉस यानी कि 10 10, 3 बार है 50 60 70 80, ये 80 हो गए। अब 81 है, अब हम 81 कैसे लिखेंगे, 81 कितने हैं 50 60 70 80, तो पहले हम ये 50 इधर 60 इधर 70 और ये 80 और ये 81 एंड ये 80 तो ये बच्चों एक्स और ये तीन जो लंबे हैं इनको हम तीन बार लिख सकते हैं, लेकिन एल और बी को हम तीन बार से ज्यादा नहीं लिख सकते। त्रियासी ये 84 60 70 80 और ये 84 86 87
at present. Are you not okay? अब बच्चों सी बराबर होता है सो, सी बराबर क्या होता है सो, तो हमने ये लिखा है एल टू सी, सी बराबर हो गया बच्चों सो, सी बराबर क्या हुआ सो, बच्चों सी बराबर हो गया सो। अब 90 है तो आप 100 में 10 कम करोगे, मैंने बताया था किसी भी संख्या के लिए पहले हम लगाते हैं तो कम हो जाते हैं, यानी 100 में से हमें 10 कम करने हैं तो यानी एक क्रॉस हम इसके आगे लगा देंगे तो ये हमारा हो गया 90। एच सी क्या हो गया 90, एच सी क्या होगा बच्चों 90 हो गया हमारा, एच सी क्या हमारा हो गया 90। सी से पहले हमने ये 10 कम कर दिए तो ये हो गया हमारा 90। अब हम इसकी गिनती याद करेंगे, आगे जैसे गिनती लिखते हैं वैसे ही अब हम गिनती नंबर 93 92 93 94 91 92 97 98 99 100। अब C बराबर 100 बराबर क्या हुआ C, 100 बराबर होता है बच्चों C, और C H हो गया 90। अब क्रांति में से लिखेंगे H सी और दो की ग्राम है, एच सी और दो दंडे ग्राम है, एच सी और दो दंडे ग्राम है, एच सी और दो चार के ग्राम है, एच सी और एक पांच चार है, एच सी और एक छियान है, एच सी और एक सत्तान है, एच सी आइए 98 एक्स सी आइए 99 आइए होंगे पूरे 100। ये क्या होंगे बच्चों पूरे 100, ये पूरे होंगे हमारे 100। ये हमारे जो है पूरे 100। तो बच्चों इसमें आपने क्या देखा, ये रोमन संख्या किसी ने हमारा एल बराबर 50 और जे बराबर 10 और बी बराबर 5। ठीक है बच्चों, ये और ये तीन बार रिपीट होते हैं, कितनी बार रिपीट होते हैं फर्स्ट और सेकंड तीन बार रिपीट होते हैं, फर्स्ट और ये टेन तीन बार रिपीट होते हैं, और ये थ्री इन क्या कितनी बार होता है तीन बार, तो गिनती में ये तीन बार हमको जो कर सकते हैं बी और है, एक बार प्रयोग करते हैं एक बार, ये फर्स्ट और ये बच्चों क्या है हम कितनी बार कर सकते हैं इसको तीन बार प्रयोग कर सकते हैं, एक को और ये और बी को और एल को एक बार, और ये एक और दस को हम तीन बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सी बराबर 100 होता है। तो बच्चों ये गिनती आपने देखी, रोमन गिनती देखी, ये एल बराबर से 50 होता है तो ये 5 और 1 एल पर 51, एल की पावर एल की पेपर एल को 54, एल 5 55, एल 6 56, एल 7
करेंगे। मेरे अध्याय के साथ आपके सामने व्यस्त होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।